जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत ही खास वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों सी टेट के 16 दिसंबर 2021 में जो पेपर हुआ था, 1 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था, 3 जनवरी 2022 और 4 जनवरी 2022, ये चार सेट के जितने भी मैथ के न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे पेपर वन के, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने की वजह भी है, जब मैं ये सारे क्वेश्चन को पढ़ रहा था तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2021-22 में पूछे गए थे, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ था, एज इट इज रिपीट हुआ था दिसंबर 2022 और जनवरी फरवरी 2023 में। तो बहुत सी संभावना है दोस्तों, इस बार जो आपका पेपर हो रहा है कहीं इससे फिर से रिपीट हो जाए। तो इसीलिए हम एक काम करते हैं दोस्तों, 2021-22 का जो पेपर सेट बना था वो टोटल 15 सेट में पेपर हुआ था, राइट। तो इस 15 सेट में हम क्या करते हैं, चार चार सेट करके पूरे क्वेश्चन को डिस्कस कर जाते हैं, देख जाते हैं। एक बार सारा क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा तो बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो हम पहले मैथ को लेते हैं कि मैथ का जितना भी न्यूमेरिकल पूछा गया था इन चार सेट में, और आपको पता है कि एक सेट में 15 नंबर यानी कि 15 सवाल पूछे जाते हैं, तो इन चार सेट के 60 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में और आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन, आपका पहला सवाल, ठीक है दोस्तों। शुरू करते हैं और सबसे पहले हम मैथ के क्वेश्चन देखेंगे जो 16 दिसंबर 2021 को क्वेश्चन पूछा गया था, उसके मैथ के 15 सवाल देखते हैं बिना किसी देरी के, और बहुत मज़ा आने वाला है आपको, बहुत बेसिक सा सवाल होगा, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है भाई, सवाल कह रहा है कि सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेब और तीसरी पंक्ति में 23 जोड़े सेब रखें। तो सवाल आपसे कह रहा है दोस्तों, जो सवाल आपसे इम्पोर्टेंट कह रहा है वो कह रहा है कि तो सिराज के पास रसोई में कितने सेब थे भैया, इनको जोड़े बता रहा है। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि पहले पंक्ति में 11 जोड़े, दूसरे में 22 जोड़े और तीसरे में 33 जोड़े, अगर इतने सेब रख रहे हैं तो सिराज के पास टोटल कितने सेब थे, ये हमारा सवाल है आपका, ठीक है। तो आइए ज़रा इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, सिराज के पास कितने जोड़े सेब थे, तो आप देखेंगे बच्चों पहले उसके पास 11 जोड़े थे, फिर उसके पास 22 जोड़े थे, फिर उसके पास 33 जोड़े थे, ये जोड़े हैं। तो इस सबको अगर आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 2 5 1 6 6 हो जाएगा, और 3 2 5 1 6 यानी कि उसके पास 36 जोड़े हैं, सॉरी 66 जोड़े हैं। जब 66 जोड़े, एक जोड़े में दो होता है, मतलब एक हमारी जो चप्पल होती है, जो शूज़ होती है, वो क्या होती है, एक जोड़ी में होती है, एक जोड़े में दो होते हैं, तो 66 × 2 कर देंगे भाई, क्योंकि 66 जोड़े हुए हैं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना आसान सा सवाल था, 6 × 12 = 2 = 1, 6 × 12 = 13 = 132। टोटल सेब कितने पास होंगे भाई, टोटल सेब कितने पास होंगे सिराज के पास, तो वो हो जाएंगे 132, यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 132। सवाल देखा आपने, सवाल देखा कि नहीं देखा आपने, क्या ही सवाल में था, कह रहा है कि 11 जोड़े, 22 जोड़े और 33 जोड़े उन्होंने पंक्ति में रखी, तो टोटल कितने सेब थे, हमने क्या किया, हमने इसको जोड़ दिया और जोड़ने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि इसमें जोड़ों की बात की जा रही है। पूछ रहा है अगला सवाल, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, अच्छा, और सबसे उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, हमें विचार करते हुए जाना है और देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। चलिए पहला क्या कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, सभी अभाज्य संख्याएं, ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर, ये बिल्कुल गलत बात है। पहले प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, वो संख्याएं जिसके केवल दो गुणनखंड हो, दो फैक्टर हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर एग्जाम्पल दूँ 13 केवल दो अंक से कटेगा, एक 1 से 1 13 से, मतलब एक खुद से कटेगा और एक 1 से कटेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो केवल 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, तो वो संख्याएं जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, एक वह स्वयं और दूसरा एक, वह अभाज्य संख्याएं होती है। तो अब आप कहोगे सर ठीक है, बात तो सही कह रहे हैं आप, 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया 13 हो गया 11 हो गया, लेकिन ये सारे ऑड हैं, यहाँ भी कह रहा है कि विषम चाहिए, ऑड चाहिए, तो इसमें गलती क्या है, गलती एक चीज़ है बाबू, एक मैं अंक बता रहा हूँ आपको, वो अंक है 2, ये क्या है 2 है, 2 के भी दो गुणनखंड होते हैं, एक खुद 2 और एक 1, 1 और 2, ये दो ही फैक्टर होते हैं, और ये क्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन ये विषम नहीं है, ये क्या है, सम है, ये ऑड नहीं, क्या है, इवन है। इसी तर्क पे ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, इसी तर्क पे पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो पहला वाला क्या हो गया भाई, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएँ होती हैं,
एक अंक वाली पांच, आइए जरा देख लेते हैं अभाज्य संख्या है, तो दो तीन पांच सात चार। अब आप नौ कहोगे सर नौ क्यों नहीं, क्योंकि नौ तो तीन से भी कट जाता है, हमें ऐसा चाहिए जो केवल दो से ही, नौ और एक, ठीक है, तो तीन से कट जाएगा तो वो अभाज्य में नहीं आएगा, प्राइम में नहीं आएगा। आप कहोगे सर एक क्यों नहीं, तो एक के दो फैक्टर कहाँ हैं, एक का तो फैक्टर एक ही होगा, कम से कम दो चाहिए तभी वो अभाज्य कहलाएगा। तो एक अंक की अभाज्य संख्या है कितनी है, चार है, जबकि यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि सर एक की पाँच अभाज्य संख्याएँ होती हैं, तो दूसरा वाला भी विकल्प क्या हो गया, दूसरा वाला भी विकल्प हमारा गलत हो गया। देखिए डिस्कस करते हुए चलना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट घुमा भी देगा तो आप समझ जाएंगे। अब आइए तो भाई विकल्प में देखेंगे तो पहले वाला नहीं होगा और दूसरा वाला है वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो केवल एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है ऑप्शन नंबर सी, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ऐसा क्या कहा गया, ऐसा तीसरा देख लेते हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं, बिल्कुल अनेक, बढ़ते जाइए, दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह, बढ़ते जाइए भाई, वो क्या होंगे, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगला कह रहा है कि अभाज्य संख्याएं केवल दो गुणनखंड, वही तो भाई, वही तो बेसिक इसका प्रिंसिपल है, यानी कि तीसरा और चौथा विकल्प इसका सही होगा, तो तीसरा और चौथा कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई समस्या असुविधा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसी तरीके से मैथ को क्या करते समझते हुए चलना है। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं भाई एक स्कूल है, स्कूल कौन सा है भाई, NSS इकाई में, NSS की बात की जा रही है, प्रत्येक जरूरतमंद बच्चों को 3/4 की किलोग्राम चीनी दिया जा रहा है, एक प्रायोजक ने उन्हें काम के लिए इतना की चीनी मिला, तो वह बताइए कितने बांटेगा। ये देखिए सिंपल सी बात, इसमें क्या करें, मैं आपसे कह दूँ कि आप एक बच्चे को दो रुपये दे सकते हैं, एक बच्चे को दो रुपये दे सकते हैं, और मैंने आपको टोटल 10 रुपये दिए हैं, टोटल आपके पास 10 रुपये हैं और आपको दो दो रुपये करके बांटने हैं, तो आप टोटल कितने बच्चों में बांटेंगे, 5 बच्चों में, कैसे आया, जो आपका टोटल अमाउंट है भाई और जितने बांटने हैं उससे भाग कर देंगे तो 5 आ जाएगा, बात समझ में आई, यही तरीका होता है हल करने का। अब सेम चीज़ को यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए ना, यहाँ पर हमें एक बच्चे को 3/4 देना है और टोटल हमारे पास 28 सही 1/2 है, तो इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास टोटल है बच्चों 28 सही 1/2, इसको अगर आप फ्रिक्शन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 57/2, और एक बच्चे को कितना देना है, एक बच्चे को देना है भाई 3/4, एक बच्चे को कितना देना है 3/4, आइए ज़रा चेक कर लेते हैं, जी हाँ एक बच्चे को 3/4 देना है, करेक्ट, इसमें कोई असुविधा नहीं। अब आइए इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 57/2, और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा 4/3, तो ये देखिए 2 2 = 4 दो हो जाएगा, और 3 से कट करेंगे 3 * 3 19 * 2 19 * 2 अगर बच्चों करेंगे, 19 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 = 8 और 2 1 = 2 यानी कि 9 2 = 18 का 8 कैरी 1 2 * 2 = 3 38 कितना हुआ भाई, आंसर कितना है आपका 38। आप कितने बच्चों में बांट पाएंगे टोटल, आप बांट पाएंगे, अभी आपने निकाला कि टोटल हम कितने बच्चों में बांट पाएंगे, तो भैया हम टोटल बांट पाएंगे 38 बच्चों में, कोई असुविधा बाबू, कोई असुविधा नहीं। और इस तरीके के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, इसमें सिंपल सा करना ये था कि आपके पास टोटल इतना केजी चीनी था और एक बच्चे को इतना में बांटना था, तो आप क्या करेंगे, आप इसको दोनों को डिवाइड कर देंगे, बहुत अच्छा, इसी तरीके से यही लेवल होता है बच्चों, बस आपको समझ जाना है, मेन चीज़ क्या है, समझ जाना है कि कैसे हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, कैसे हमें शुरू करना है, राइट। अब आइए अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि दो कथन दिए गए हैं, दोनों पे विचार करना है, कौन सा कथन अ क्या कह रहा है भाई, दो संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्या के बराबर या उससे अधिक होता है। अच्छा यहाँ बात समझने वाली बात है, अगर कहता है कि दो प्राकृतिक संख्या, यहाँ कुछ नहीं कह रहा, केवल दो संख्याएँ कह रहा है, तो दो संख्या आप कुछ भी ले लीजिए, मैं कहता हूँ मैं 0 ले लेता हूँ भाई, 0 ले लेता हूँ और 5 ले लेता हूँ, तो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्या के बराबर, 0 और 5 का गुणनफल तो 0 हो जाएगा, संख्या तो छोटा हो गया, पहला ही कैंसिल हो गया। ओके ए क्या है भाई, ऑप्शन नंबर ए गलत है। कथन बी कह रहा है कि दो संख्याओं का जोड़ सदैव संख्या के बराबर या उससे अधिक, अच्छा सदैव उसके बराबर या उससे अधिक, ये देखिए दो संख्याओं का जोड़, अब मैं कह रहा हूँ सर संख्या कह रहे हैं आप, मैं माइनस ले लेता हूँ, -1 और -3 ले लेता हूँ, तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों -4, और -4 क्या है, -1 से छोटा है, ठीक है छोटा है ना, तो यहाँ क्या कह रहा है कि सदैव बराबर या उससे अधिक होगा, तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला दोनों ही क्या हैं, दोनों ही बाबू असत्य हैं, यानी कि दोनों ही क्या हैं गलत है, सो बोथ ए एंड बी आर नॉट ट्रू, समझ में आई बाबू, नहीं समझ में आया।
यहाँ पे कह रहा है संख्याएं, देखिए इसी तरह खेल को बदल देगा। अगर कह देता केवल प्राकृतिक संख्याएं तो फिर दोनों सही हो जाते। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक दो से लेके अनंत तक, उसमें माइनस नहीं आता। तो एक वो तो सही बात है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो वो सदैव उस संख्या के बराबर या उससे अधिक आएगी, ये तो सही है। ये जोड़ वाला भी सही हो जाता है, लेकिन यहाँ केवल संख्याएं कह रहा था, हम जीरो भी ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, किसी को प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं होती? मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत आसानी तरीके से मैं समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिलहाल इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगला सवाल, अच्छा ये सारे सवाल जो हैं बाबू, ये सारे सवाल पूछे गए हैं, ये सब क्या है, पूछे गए हैं, ठीक है, ये पूछे गए वाले सवाल हैं। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। जो एक रिंकी है, रिंकी बहुत बच्चियों का निकनेम होता है, ठीक है, अच्छा लगा। एक रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली है, ओके, ए बी और सी। अच्छा, रिंकी के पास 3 थाली हैं जलेबी की, ए बी और सी। अच्छा, तो अब रिंकी क्या करती हैं कि एक जलेबी डाल देती है, अ में केवल एक जलेबी, ए में कितना है, एक जलेबी है, ओके एक है, राइट। चलो इसको सही से लिख लेते हैं, चलिए ए एक जलेबी है ए में, और ब में 5 जलेबी, इसमें कितना है, 5 जलेबी है, चलिए। और आगे कह रहा है कि 3 जलेबी है स्वामी, इसमें कितनी, 3 जलेबी है, ओके। तो कह रहा है कि जलेबी रखें, थालियों में बराबर जलेबी रखना चाहती है, तो निम्नलिखित में से, अच्छा अब एक में ए में एक है, बी में 5 है, सी में 3 है, तो अब कह रहा है कि तीनों थालियों में बराबर रखिए। तो बराबर कैसे रखेंगे, हमारे पास टोटल कितना है, इसको ऐड करेंगे तो 9 है, 9 जलेबी है और 3 थाली है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब सब में 3-3 होना चाहिए, सब में 3-3, तो सी में तो 3 सही है। एक काम करिए, यहाँ से 2 निकाल के ए में डाल दीजिए, भाई 5 में से 2 निकाल के ए में, तो इसका भी 3, इसका भी 3, सब बराबर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। अब कह रहा है कि बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थाली ब में से 2 जलेबी उठाकर थाली अ में रखना पड़ेगा, बात तो वही है, थाली यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, थाली ब में से थाली ए में 2 उठा कर रख दीजिए, यही सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि थाली ब और थाली सौ में से एक एक, नहीं थाली ब और सौ में, तो ये खुद कम हो जाएगा। अब कह रहा है कि तीनों थालियों में जलेबी बराबर नहीं, क्यों नहीं हो सकती है, 3-3 रख दीजिए। और ये कह रहा है कि थाली अ से 1 जलेबी उठाकर, अ में ऑलरेडी कम है, उसमें से एक और उठा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, और ख़राब हो जाएगा, इसीलिए हमारा एक ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि 2 उठा के, बस सिंपल सा सवाल था भाई। अच्छा, आप ऐसे कितने लोगों को जलेबी पसंद है, मतलब शुरू सुबह सुबह थोड़ा पूड़ी सब्जी के साथ जलेबी मिल जाए तो खा लेते हैं, बाकी दिन में उतना खाने का शौक नहीं है मतलब, ठीक है। ओह सॉरी, कहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे आ गए, राइट, एक सेकेंड, कहाँ था जलेबी ये रह गया, चलिए जलेबी ख़त्म हो गया। तो रिंकी ने क्या किया, जलेबी बांट दिया। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखिए क्या है। अब ये एलसीएम और एचसीएफ का सवाल है, एलसीएम का सवाल है, राइट। अब देखिए कह रहा है कि यदि 6 और 7 का एलसीएम एक्स और वाई के एलसीएम का आधा है। अच्छा, तो 6 और 7 का एलसीएम पहले होता कितना है, 6 और 7 का एलसीएम दोस्तों 42 होता है, ठीक है, और एक्स और वाई के एलसीएम का आधा है, यानी कि एक्स और वाई का एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम कितना होगा भाई, इसका एलसीएम हो जाएगा इसका दुगुना, ये हो जाएगा भाई कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि x की वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, एक वैल्यू 12 है, एक वैल्यू कितनी है, 12 है, तो दूसरा कितना होगा, तो ऐसी वो संख्या जिससे 12 मल्टीप्लाई करने पर 84 आए, तो क्या होता है, 12 × 7 = 84, क्या हो जाएगा भाई, 84 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये सवाल ही कह रहा था कि जो 6 और 7 का एलसीएम है वो एक्स और वाई के एलसीएम का आधा है, तो हमें पता है 6 और 7 का एलसीएम 42 होता है, ठीक है, अब एक्स और वाई का कितना होगा, क्योंकि ये आधा है तो ये 84 होगा, तभी तो अब एक संख्या हमने 12 दे रखा है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 12 × 7 = 84, दूसरा कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। इस सवाल में कुछ था ही नहीं। अगला सवाल देख लेते हैं, चलिए इसको कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अच्छा निकटतम, ओहो ये जो सवाल है बाबू, इसको गलती देखिए, इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखो 2.9 है, तो जब भी कोई संख्या पॉइंट के बाद 5 या उससे ज़्यादा हो तो उसके पहले वाले में 1 बढ़ा देते हैं, और 5 से कम हो तो इसमें उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपको किसी को मान लीजिए, अगर आपको किसी को 1 रुपये 50 पैसे देने हैं तो आप डायरेक्ट 2 रुपये दे देंगे, चलो भैया 2 रुपये ले लो, राउंड ऑफ कर लो। अगर आपको किसी को 1 रुपये 40 पैसे या 1 रुपये 49 पैसे देने हैं तो तब उसको 1 ही रुपया देंगे। समझ में आ रही बात, अगर 1 रुपये 50 पैसे से अधिक देना है तो हम 2 रुपये दे देंगे, और 1 रुपये 49 पैसे देने हैं तो हम उसको 1 ही रुपया देंगे, ठीक है। अगर 5 हो जाता है तो हम उसको 1 बढ़ा देंगे, अगर 5 नहीं रहता है तो हम उतना ही देंगे। समझ में आ रही बात। अब देखिए
यहाँ तो 2.9 है, जब 2.9 है तो हम इसको 3 लिख देते हैं भैया, 2.90 रुपये से अच्छा है 3 रुपये देते हैं। यहाँ पे 7.49 है तो हम इसको नहीं बढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर एक पैसा होता तो बढ़ा देते, 7.49 है तो हम 7 ही रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे 11.51, देखो 11.51 रुपये तो हम 12 रुपये इसको दे देंगे, चलो भैया 12 रुपये ले लूँगा, यही तो हो गया। इस सवाल में कुछ था 3×7/12 कहीं है, 3×7/12 ये रहा, इस तरीके के सवाल। इसीलिए बाबू मैथ में घबराना नहीं, बस थोड़ा सा रिलैक्स रहना, प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। अगला सवाल देख लीजिए, ओके ये यहाँ पे थोड़ी सी वो कुछ एक अंक छूट गया है तो इसको हम जरा लास्ट में देख लेंगे, इसमें ये प्रिंटिंग गलती हुई। अगला सवाल देख लीजिए, ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भाई कि सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी के घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूम लेगी। अच्छा अब ज़रा इसको एक काम कर लेते हैं, ये हमारी घड़ी थोड़ी सी ऐसे बन गई है, ठीक है बाबू, एक हमारे पास घड़ी है, तो इस घड़ी में क्या कह रहा है, घड़ी में कह रहा है कि सुबह छः कब बजेगा भाई, जब यहाँ से छोटी वाली घंटी वाली सुई यहाँ रहेगी और बड़ी वाली घंटी वाली से, क्योंकि घंटे वाली से मतलब है, तो यहाँ 6 बजे है। अब कह रहा है सुबह 6 बजे से दोपहर के 3 बजे, दोपहर का 3 बजे का मतलब कब होगा, सुबह 6 बजे से दोपहर के 3 बजे, दोपहर का 3 बजे कब आएगा, जब यहाँ से 6 बजे सुबह से चलेगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, मतलब इतना चलते हुए ये घड़ी यहाँ आ गई, टोटल इतना एंगल पूछ रहा है, तो कितना होगा दोस्तों, आपको पता है कि ये अगर ये रेखा है तो इतना 180 होता है, और यहाँ चलिए 90, 180 + 90 कितना होगा 270, कोई समस्या बाबू, कोई समस्या इसमें, कोई समस्या नहीं, टोटल कितना आ जाएगा 270। इस तरीके का सवाल आपसे सीटेट में पूछा है, बस आपको उसको देखते चलिए, चलते चलिए, बस सारा सवाल हम यहीं पे सॉल्व करेंगे, टाइम चाहे जितना लगे आराम से हमें करना है, आगे बढ़ना है। हाँ अब क्या कह रहा है, एक आयत जिसकी भुजा केवल प्राकृतिक संख्याओं में है का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेमी है तो उसका परिमाप नहीं हो सकता, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको ज़रा देख लीजिए। एक आयत है जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेमी है, अब यहाँ पे ज़रा इसको समझ जाइए, यहाँ पे इसको ज़रा समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक आयत है, मान लीजिए हमारे पास एक ये वाली आयत है, तो इसकी एरिया कितना कह रहा है 24 cm². अब जब 24 है, आपको पता है एक आयत की क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसकी संभावनाएं क्या हो सकती है, हो सकता है इसकी लंबाई 1 हो और चौड़ाई 24 हो सकता है, या ये भी हो सकता है इसकी लंबाई 2 हो और चौड़ाई कितनी हो, चौड़ाई 12 हो, तभी तो 24 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 × 12 हो, ये भी हो सकता है इसकी लंबाई 3 हो इसकी चौड़ाई 8 हो, ये भी हो सकता है कि 4 हो और 6 हो, और ये भी हो सकता है कि क्या हो 2 हो और 12 4, और क्या बचा, और क्या बचा, और 24 का कोई फैक्टर कुछ नहीं, ठीक है अब कोई कुछ नहीं, तो आपने सारे फैक्टर ले लिए। अगर मान लीजिए हमारा ये वाला है, लंबाई ये है चौड़ाई ये है, तो पैरीमीटर पूछ रहा है ना, परिमाप पूछ रहा है, ये देखिए सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि उसका परिमाप नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए ये हो ये है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप होता है 2×लंबाई + चौड़ाई होता है, तो ये हो जाएगा 24 × 1 = 25 × 50, 50 परिमाप हो सकता है, ठीक वैसे इनको आपस में जोड़िए 12×24, 24×28, 28 भी परिमाप हो सकता है, इन दोनों को जोड़िए 8×3 = 11, 11×2 = 22, 22 भी परिमाप हो सकता है, इन दोनों को जोड़िए 6×6 = 10, 10×2 = 20, 20 भी, मतलब हमारा 20, 22, 28 और 50 परिमाप हो सकता है, 20, 22, 28 याद रखिएगा ये परिमाप हो सकता है, यानी कि 20, 22 और 28 यह परिमाप हो सकता है, यह इसका दोस्तों पैरीमीटर हो सकता है। सवाल कह रहा था कि कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता भाई, तो 25 नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है, 20, 22 और 28 आपने देखा इसके परिमाप क्या हो सकते हैं, इसके परिमाप हो सकते हैं भाई, इसके परिमाप हो सकते हैं 20, 22 और 28, ठीक है 20, 22 और 28, तो 25 नहीं होगा इसका, समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अगला सवाल देखते हैं, अब ये देखिए ये बड़ा प्यारा सवाल है, और इसके कई बार दोस्तों इसको याद रख लीजिए, इसको करने का तरीका समझिएगा, ये कई बार सवाल पूछा है, कह रहा है किसी मानचित्र पर 1 cm की दूरी भूमि पर 400 किलोमीटर, अच्छा जैसे मान लो भूमि पे अगर 400 किलोमीटर है बाबू, 400 किलोमीटर है,
तो वह मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर होगा। अच्छी बात है। अब कह रहा है कि यदि भूमि पर नगर 3400 किलोमीटर है तो भैया 1 किलोमीटर को कैसे दिखाएंगे, 1 किलोमीटर को दिखाएंगे 1/400 और हमें टोटल दिखाना कितना है 3400 दिखाना है 3400, तो मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया। अब 34 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 34 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बाबू, 34 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4×8=32 और कैरी 2 पॉइंट लगा दीजिए 8.5 मतलब 8 सेंटीमीटर 8.5 सेंटीमीटर। ये देखिए 8.5, यहाँ पे आंसर दिया है 8.5 सेंटीमीटर 8.5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार फिर से लगता है आपको समझा देते हैं। नहीं मुझे पता है बाबू आपको समझ में आया, लेकिन फिर भी समझा देते। कह रहा है देखो, सवाल कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर और भूमि पर 400 किलोमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर और भूमि पर कितना 400 किलोमीटर, भूमि पर कितना है, भूमि पर है 400 किलोमीटर, तो मैप पर कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर भूमि पर 1 किलोमीटर हो तो मैप पर कितना होगा 1/400 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि भूमि पे कितना है, भूमि पे है 3400 किलोमीटर, तो इसमें 3400 तो इसमें क्या करेंगे 3400 से गुणा करा देंगे, 400 × 3400 जब इसको मल्टीप्लाई आप कराएंगे बाबू, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4×8=32 और ये होगा 8.5 8.5। समझ में आया बाबू, क्या हो गया 8.5, आ जाइए चलिए आ जाइए, तो कितना हो गया 8.5, यहाँ पे 8.8½, यही वाला हमारा सवाल था। बहुत मज़ा, बहुत अच्छा, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं, मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है, आशा कर रहे हैं आपकी भी प्रैक्टिस हो रही होगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 800 मीटर का एक दौड़ में अनुप को पहले 100 मीटर पूरे करने के लिए 14 सेकंड लगते हैं, अच्छा, और अगले 100 मीटर के लिए 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं और उसके अगले के लिए 100 मीटर पूरे करने की पिछले वर्ष 2 सेकंड, तो यह प्रक्रिया समाप्त होने तक चलती है, अनुप को दौड़ को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही शानदार प्रश्न, मतलब सीटेड से एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बेहतरीन से सवाल पूछ देगा, लेकिन वाह क्या सवाल है, इस सवाल को समझिए। 800 मीटर की एक दौड़ है, ठीक है, तो पहले 100 मीटर के लिए 14 सेकंड लग रहा है, उसके बाद के 100 मीटर के लिए उसको 2 सेकंड बढ़ जाएगा यानी कि 16 सेकंड लगेगा, उसके बाद के 100 मीटर के लिए उसको 18 सेकंड लगेगा, तो इसी तरीके से 800 मीटर को पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा इसको ज़रा देखिए। पहले 100 मीटर के लिए उसको लगेंगे 14 सेकंड, उसके बाद के 100 मीटर के लिए कितने लगेंगे 16, उसके बाद के लिए 18, उसके बाद के लिए 20, उसके बाद के लिए 22, उसके बाद के लिए 24, उसके बाद के लिए 26, आपको टोटल 800 जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 और 8, उसके बाद के लिए कितना 28। अब इस सब को आपस में जोड़ दीजिए, 6 × 10 = 10 8 × 18 18 × 20 20 × 24 24 × 36 30 8 38 × 8 = 3 3 1, 2, 3, 3 × 5 = 2, 7 × 9 9 × 11 = 12 13 13 × 16 168। टोटल कितना समय लगा 168 सेकंड लगा, राइट। अब 168 सेकंड को थोड़ा मिनट में बदल दीजिए, तो यहाँ पे 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट, तो 120 यहाँ पे माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 84 यानी कि 2 मिनट 48 सेकंड, 2 मिनट कितना बाबू 2 मिनट 48 सेकंड, तो 2 मिनट 48 सेकंड आपका समय यहाँ पे लगेगा, ठीक है, कोई असुविधा तो नहीं हो रही है समझने में ना, बिल्कुल असुविधा नहीं हो रही, ऐसे आपको कर लेना है। अगला सवाल देख लेते हैं, चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है, कह रहा है कि प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर संख्याएं बताइए। ओहो यहाँ पे देखिए कह रहा है 9108 2173, इसमें कोई लॉजिक होगा, इसमें क्या है भाई, इसमें कुछ लॉजिक है, कैसे लॉजिक है आइए ज़रा देखते हैं। चलिए चलिए लॉजिक समझ आ गया, अब लॉजिक ये है, इनकी संख्याओं को अगर आपस में जोड़ेंगे 9 1 10, 8 2 10 1 11, 7 3 10 2 12, 6 4 10 3 13, ये संख्याओं का अगर आप सम देखेंगे तो एक क्रम में बढ़ रहा है, यहाँ इनका सम 10 है, अगले का सम 11 है, अगले का सम 12 है, जोड़ना अगर अगले का सम 13 है तो अगली जो संख्या होगी उसका योगफल 14 होगा, राइट। ज़रा देख लेते हैं, इनको आपस में जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, इसको आपस में जोड़ेंगे तो 5 4 9 4 13 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 12 होगा और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा
5x10 14, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका एक और लॉजिक है भाई, कैसे लॉजिक है, 910 में से अगर 821 अगर माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा, ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 900 अगर 10 में से अगर आप 821 माइनस करते हैं तो ये कितना बचेगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 0, 10 89, यहाँ पे कितना बचेगा 89। ठीक वैसे ही अगर आप इन दोनों को भी माइनस करेंगे तो ये भी कितना होगा 89 होगा। तो ठीक वैसे ही दोस्तों 643 में अगर आप 89 माइनस कर देते हैं, 643 माइनस 89 कर देते हैं तो कितना होगा, 9 में से 13 गया, 13 में से 9 गया 4, 13 में से 9 गया 4 दोस्तों, सॉरी 13 में से कितना, 13 में से 9 गया 4, यहाँ पे 3 बचा, फिर 13 में से 8 गया, कितना हुआ 5, यहाँ भी 5 5 5 4, इस तरीके से भी आप कर लेंगे। ये वाला सवाल पूछा गया था सी टेट में दोस्तों, ये आपके सी टेट के सवाल हैं। अगला सवाल देखिए, ठीक है, आराम आराम से देखते चलिए और समझते चलिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या करें, एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है, उसमें उसने 3 अंकों में 70 इतने अंक प्राप्त किए हैं, तो उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य निकालिए। ओहो, ये क्या ही सवाल पूछ दिया, मज़ा आ गया सवाल में। 70 75 80, अच्छा इसको ज़रा कर लेते हैं। कह रहा है कि एक बच्चा है जो कि 3 अंकों में, देखिए किसी कितने हैं भाई, एक बच्चा है जो 5 विषयों में प्राप्त अंक कितना है 74 है। अच्छा चलिए देख लेते हैं, 5 अंक कौन कौन से, पहला 3 दिया है 70 प्लस 75 प्लस 80, बाकी के 2 हम मान लेते हैं x प्लस y, ठीक है, इसका माध्य हमारा दिया है 5 होगा ना भाई, यहाँ पर कितना होगा 5, इसका 5, ये हमारा दिया है कितना दिया है, ये हमारा दिया है 74, तो x प्लस वाई का माध्य निकालना है, तो x प्लस वाई बाई डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको ज़रा प्लस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 और 7 7 14 और 14 26 2 22 225 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 74 मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 4 20 0 कैरी 2 आंसर 35 36 37 370। तो x और प्लस y कितना होगा, x प्लस y हो जाएगा 370 में से अगर 225 माइनस कर देंगे बाबू, 370 में से अगर 225 अगर आप माइनस कर देंगे तो 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 250 और 20 45, यानी कि एक x प्लस y की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस y की वैल्यू हो जाएगी 145। अब x प्लस y का अगर आप माध्य निकालेंगे तो कुछ नहीं, x प्लस y बाई 2 होगा, दो संख्याओं का माध्य निकालते हैं x प्लस y बाई 2, तो 145 बाई 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 2 14 और 7 फिर 2 आएगा, 2 2 4 कैरी 1 72.5, कोई दिक्कत नहीं 72.5। अगली दो संख्याओं का जो माध्य होगा कितना होगा बाबू, वो होगा 72.5, ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन दिया। जब इस तरीके से मैथ किया जाएगा ना मज़ा आ जाएगा, ऑप्शन हमें पूरा पढ़ना ही नहीं है, देखो ये किस समय निकल गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये तो किराने की सामान है, मतलब ये किरासन वाली बात होती है और ऐसा सवाल जरूर पूछता है। देखिए हर्षित अमीना और जोसेफ द्वारा एक दिन पैदल चलने का विवरण नीचे दिया गया है, राइट, वो हर्षित ओ व्हाट अ नाइस नेम, हर्षित जो हैं वो सुबह 5 बजे चलते हैं और 6:49 तक चलते हैं, तो कितनी देर चले, 5:32 पे चलेंगे तो कितनी देर चलेंगे, मिनट देख लीजिए, 1 घंटा 17 मिनट, हर्षित बाबू 1 घंटा 17 मिनट चलते हैं, राइट। चलिए अमीना कितना चलती हैं, अमीना चलती हैं 5:27 पे शुरू करती हैं और 6:37 तक, यानी कि 1 घंटे 10 मिनट चलती हैं अमीना, ठीक है, 27 है और 37 है, 10 मिनट इधर हो गया और 5 से 6 1 घंटे 10 मिनट अमीना चलती हैं। जोसेफ कितना चलते हैं, जोसेफ जी चलते हैं कितना, 6 बजे सुबह शुरू करेंगे और 7:31 पे, तो 6 और 31 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 11 25 और 1 घंटा 25 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट, समझ आ गया, बस ये लोग सुबह वॉकिंग करते हैं जॉगिंग करते हैं। अगर आप देखिए हर्षित और अमीना समान समय अवधि के लिए चलें, गलत बात है, हर्षित और अमीना समान के लिए नहीं चलें, ठीक है, ये बिल्कुल समान के लिए नहीं चलें। जोसेफ अमीना से 8 मिनट, जोसेफ जो है अमीना से 8 मिनट नहीं 15 मिनट ज़्यादा चलाएँ, ये भी सब गलत है।
जोसेफ हर्षित से 15 मिनट, जोसेफ जो है हर्षित से 15 मिनट नहीं चले हैं बाबू, ये चले हैं कितना 8 मिनट, 8 मिनट ज़्यादा चले, ये भी गलत हो गया। अमीना सबसे कम चली हैं, तो जी हाँ अमीना सबसे कम चली हैं 1 घंटे 10 मिनट, तो ये वाला सही हो जाएगा, अमीना सबसे कम चली हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। समझ आ रहा है? चलिए, तो इस तरीके से आपने देखा, आपने एक सेट यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया बाबू, आपने यहाँ पे एक सेट पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। 16 दिसंबर का पेपर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, अब हम चलेंगे आपके नेक्स्ट पेपर की तरफ। देखा बच्चों, इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे और बड़ा मज़ा आएगा, इसी तरीके से हमें क्या करना है, पूरा कर लेना। फटाफट से आ जाते हैं अगला सवाल, देख अगला हम सॉल्व करेंगे सेट, 1 जनवरी जो 2022 को हुआ था, तो आइए ज़रा देखते हैं उस पेपर वन में जो 15 सवाल पूछे गए थे वो कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। आप क्वेश्चंस का लेवल देखते चलिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलिए, ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिस रहेगी, इसी में से मिलता जुलता अगर आप एग्ज़ाम में पूछता है तो आप डेफिनेट कर लेंगे। अब आइए इस सवाल को देखते हैं। सवाल कह रहे हैं दोस्तों, एक स्कूल में 96 शिक्षिकाएँ हैं, जिसमें से 3/8 शिक्षिकाएँ उच्च स्कूली कक्षा में पढ़ाती हैं, ठीक है। यदि उच्च स्कूली शिक्षाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षिकाएं हैं, तो उन स्कूली शिक्षिका उच्च शिक्षिकाओं को शिक्षिकाएं जो गणित, देखो सिंपल सी बात क्या करें, इतना हिंदी यहाँ पे दे देता है ना, मज़ा नहीं आता। देखो हमारे पास टोटल कितने टीचर्स हैं, हमारे पास टोटल 96 टीचर हैं। अब इस 96 में से 3/8 क्या है, हायर एजुकेशन में पढ़ाती हैं, तो कितना पढ़ाती हैं, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, 8 × 1 = 8 और 8 × 2 = 16 भारतीय 36, टोटल 36 ऐसी शिक्षिकाएं हैं जो उच्च शिक्षा में पढ़ाती हैं। अब कह रहा है कि इस 36 में बाबू, इस 36 में 2/9 क्या है, मैथ पढ़ाती हैं, 2/9 पढ़ाती हैं, ठीक है, 4 × 9 = 4 × 2 = 8, 8 ऐसी टीचर हैं जो मैथ पढ़ाती हैं। जब 8 टीचर मैथ पढ़ाएंगी तो कह रहा है कि तो वो उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा जो गणित नहीं पढ़ाती, मैथ नहीं, भाई 36 टीचर थी उसमें से 8 मैथ पढ़ाती है, तो मैथ नहीं पढ़ाने वाली कितनी होंगी, 36 में से 8 माइनस कर दीजिए, 36 में से आप 8 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 28 बचेगा। कितना आसान सा सवाल था, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक, अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल देखते। ओहो, ये क्या, ये तो फोर्थ और फिफ्थ का सवाल दे दिया बच्चों, इसको सॉल्व कर देना है बस। ये देखिए 1/2 है ना, माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर वाला माइनस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस 4/5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सबका एलसीएम 30 आएगा, आपको यहाँ पे क्या कर लेना, सबका एलसीएम आपका 30 हमारा हो जाएगा, 2, 3, 5 का एलसीएम 30 हो जाएगा। अब इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 1 = 15 माइनस 3 से करेंगे 10, 10 × 2 = 20 प्लस 5 से करेंगे 5 × 6 = 24, ठीक है। अब यहीं देख लीजिए, यहीं देख लीजिए बाबू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस 20 है, ये जगह प्लस 4, 19/30 सही सवाल, सही 19/30 सही जवाब हो गया, बात खत्म, सही जवाब हो गया 19/30, कोई दिक्कत, इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, सवाल में 1 जनवरी 2022 को कौन सा सवाल पूछा था, ज़रा देख लेते हैं इसको, कौन सा सवाल पूछा था, कह रहा है बाबू सवाल में कि संख्याएं इतना और इतना के 7 के अंकित मूल्यों का अंतर, 7 के अंकित मूल्य, फेस वैल्यू की बात कर रहा होगा बाबू, यहाँ पे फेस वैल्यू, और किसी भी संख्या की फेस वैल्यू वही संख्या होती है, चाहे 7 कहीं रहे, इसकी जो फेस वैल्यू होगी वो हमेशा 7 होगी, तो इसमें 7 की फेस वैल्यू भी 7 होगी, इसमें भी 7 की 7 होगी, इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 7 में से 7 गया माइनस हुआ, कितना हो गया 0, 0 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये सर एक सवाल आपका दोस्तों कई बार मैंने देखा है पेपर में, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से एक सवाल जरूर आता है, फेस वैल्यू का मतलब वही संख्या होती है, प्लेस वैल्यू का मतलब जिस स्थान पे होती है, स्थानीय मान का मतलब जिस स्थान पे होती है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य है, अच्छा ठीक है, ए प्लस बी सही है, देखिए चाहे आप 2+5 लिखिए या 5+2 लिखिए, बात एक ही है, दोनों साथ ही होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगला कह रहा है a - b या b - a, ये देखिए अगर आप 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 3 होगा, लेकिन वहीं आप 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, दोनों एक गलत हो, तो दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि दूसरा वाला क्या है, असत्य हो जाएगा दूसरा वाला, और आपका सवाल भी क्या पूछ रहा है, कौन सा सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो दूसरा वाला नहीं है, बाकी ये सही है ये भी सही, समझ में आ गया, आंसर मिल गया आपको, बहुत अच्छा, इसी तरीके से करते हुए हमें चलना है आगे की तरफ, क्या करना है भाई, बढ़ना है। अगला सवाल देखिए,
कह रहा है कि जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा जाए तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया। अच्छा, उससे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला। ओके, देखिए उसको कहा गया था 6 से डिवाइड करो, लेकिन उसने 9 से डिवाइड किया, और जब 9 से डिवाइड किया तो उसको भागफल 21 मिला। अच्छा, यानी कि 21 उसको भागफल मिला, 21 उसको भागफल मिला और 9 से उसने डिवाइड किया। 9 × 9 = 18, ठीक है। और क्या शेषफल 3 मिला है, 3 उसका शेषफल मिला है। 9 × 9 = 12, 8 × 1 = 9। यानी कि वो संख्या कितनी थी, वो संख्या थी 192। वो संख्या कितनी थी बाबू, वो संख्या समझ में आया कि नहीं आया। भागफल जो था 21 था, 9 से उसने डिवाइड किया था तो इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, शेषफल 3 मिला था तो उसको जोड़ दीजिए, वह संख्या हमारी कितनी हो गई, वह संख्या थी बाबू हमारी 192, वो हमारी संख्या थी। अब कह रहा है कि अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया, अब कितना भागफल और शेषफल आएगा। अच्छा, दोबारा इसको 6 से विभाजित करेंगे तो 6 × 3 = 18 कैरी, 6 × 3 = 18 एक बच गया, इसमें जाएगा 12, 6 × 2 = 12, 32 उसका भागफल आएगा और शेष कितना आएगा, 0 आएगा क्योंकि पूरा कट गया है। भागफल कितना आया, 32। कोई असुविधा बाबू, कोई असुविधा है। सवाल है, इस सवाल में क्या कह रहे हैं भाई, इस सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। अच्छा, पूर्ण घन नहीं है मतलब कौन सा कंप्लीट क्यूब रूट नहीं है। 7 × 9 = 7, देखिए ये चीज़ें याद हो जाती हैं। जैसे 7 × 9 जो है ना बाबू, 7 × 9 ये 9 का क्यूब है। 9 का अगर आप क्यूब निकालेंगे तो 9 × 9 × 9 करेंगे ना तो 9 × 9 = 81 और 81 × 9 = 9, 9 × 9 = 72, समझ में आ गया, इतना ही आएगा। तो ये क्या है, 9 का क्यूब है। हमसे क्या कह रहा है, कौन सा नहीं है। 1010 का क्यूब होता है, 1000 क्या होता है, 10 का क्यूब होता है। 216 शायद 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है 216। अब कह रहा है कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें, 333 इसका क्यूब रूट नहीं है। 333 क्या है, क्यूब रूट नहीं है, क्यूब नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। ये हो गया, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल कई बार पूछता है, बढ़िया सवाल है। शिखा जो है एक ईंट के भट्टे पर ईंट खरीदने गई हैं, ईंटों का मूल्य 2500 रुपये प्रति 1000, मतलब 1000 ईंट खरीदने के लिए उन्हें 2500 रुपये देने पड़ेंगे। अगर शिखा के पास 4000 रुपये हैं तो वो कितनी ईंट खरीद सकती हैं। अच्छा, शिखा आप ईंट खरीदने गई हैं, अच्छा लगा। ये देखिए सवाल देख लेते हैं, सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बाबू कि आपके पास अगर 2500 रुपये हैं तो 2500 रुपये में आप 1000 ईंट खरीदेंगे, ठीक है। तो 1 रुपये में कितना ईंट खरीदेंगे, 1000 / 2500। शिखा के पास कितना था, शिखा के पास 4000 रुपये, तो 4000 में कुल कितने ईंट खरीदेगी भाई, 1000 / 2500 × 4000, 2 0 से 2 0 कटा, 25 × 4 = 100, 40 × 40, 40 × 40 कितना होगा, 1600, 40 × 40, ठीक है, कितना हो गया भाई, 1600, यही होगा ना बाबू, 2500 था ना, चलिए हाँ 1600 इसका सही जवाब हो जाएगा, 1600 करेक्ट, समझ में आ गया बाबू, 4000 रुपये में कितना खरीदेंगे, 1600 ईंट खरीदेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मिनी ने अपने शिक्षक को कहा कि मैंने एक आयत बनाया है जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मिनी ने एक आयत बनाया है और कह रही है कि चारों भुजाएं सही हैं, चारों भुजाएं चार मतलब उसने वर्ग बना दिया। अब कह रहा है कि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती, अभी इस पर डिस्कस करेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि सभी वर्ग आयत होते हैं, अभी इस पर डिस्कस करेंगे। अगला कह रहा है सभी आयत वर्ग होते हैं, नहीं सभी आयत वर्ग नहीं होते, सभी आयत वर्ग नहीं होते। अगला कह रहा है एक वर्ग एक आयत का कोई संबंध नहीं, ये भी गलत बात है। अब आइए, पहला कह रहा है एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती, एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। दूसरा कह रहा है सभी वर्ग जो होते हैं वो आयत होते हैं, सभी वर्ग जो होते हैं वो आयत होते हैं। चलिए अब ये कह रहा है सब, ये हकीकत है, वर्ग की परिभाषा ही होती है कि वर्ग वह आयत है जिसकी सभी भुजाएं बराबर, ठीक है,
वर्ग वह आयत है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। वास्तव में यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ये जो कह रहे हैं ना, एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती, हो सकती हैं। अगर वो वर्ग हो तो हो सकती है, ठीक है। वो वर्ग, वह आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो वर्ग कहलाती है, ये इसकी परिभाषा होती है। इसमें ये दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए, बहुत अच्छा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल बहुत अच्छा। कह रहा है कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4, 5 और 6 है, तो उसके कोणों का मान कितना होगा। ये इतना अच्छा सवाल है ना, इसको अगर ट्रिक से करना चाहें बहुत अच्छे से कर देंगे। तो ये सी टेट का 1 जनवरी 2022 को पूछा गया प्रश्न, सी टेट का है। सवाल देखिए सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है बाबू कि 4, 5 और 6 अनुपात है किसी त्रिभुज के कोणों का, तो उसके कोणों का मान क्या थी। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना, आपके विकल्प अगर आप देखेंगे, विकल्प में बीच में सब क्या है, 60 है। विकल्प में बीच में सब क्या है, 60 है। मतलब भाई कि 5 में क्या गुणा करेंगे कि 60 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर अगर आपका अनुपात क्या था, 4, 5 और 6 है, और बीच में देखिए बीच में सब में क्या है, 60 है, तो 5 में क्या गुणा करेंगे कि 60 हो जाए। तो आप कहोगे सर 12 से गुणा कर लेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 12 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो ठीक है, सब में अनुपात है तो सब में 12 से गुणा करा दीजिए। 12 6 48 और 12 6 72 48 6 0 7 2, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। विकल्प देखिए कितना बेहतरीन था, 48 6 0 7 2 सही जवाब हो गया। समझ में आया कितना शॉर्ट ट्रिक है भाई। अगर बीच में 60 नहीं होता तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। इनका अनुपात कह रहा है 4, 5, 6 है, तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 4x + 5x + 6x = 180। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इसको मल्टीप्लाई, इसको जोड़ लीजिए, 15x = 180। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू तो कोई होती नहीं है, जो छोड़ के चली गई बस थोड़े आला मजाक नहीं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी बाबू यहाँ पे 12। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, ठीक है। तो 4x मतलब 12 6 48, 5x मतलब 12 5 60, और 6x मतलब 12 6 72, 48 60 और 72, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बहुत सही, समझ में आ रहा है भाई। चलिए बहुत अच्छा, अगला सवाल है। अब अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि रागिनी जो है, रागिनी जी हैं, वो 2 बजे दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुँच जाती हैं। अच्छा, स्टेशन पर दोपहर के 2 बजे पहुँचने का मतलब वो 14 बजे पहुँचती हैं। कितने बजे पहुँचती हैं भाई, 14 बजे। स्टेशन पर ऐसे ही लिखता है ना, 12 के बाद 13 14, तो वो 14 बजे पहुँचती हैं स्टेशन, ठीक है। अब उससे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है, ट्रेन लेनी है, जिसमें 4 गाड़ियाँ हैं, A B C D, 4 गाड़ियाँ हैं, जिनके छूटने का समय है 17:05, 4:32, 18:30, 19:15। तो कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि उनको कम से कम इंतज़ार पड़े। तो भैया आप 14 बजे पहुँचिए और 14 के बाद जो तुरंत मिलेगा वो पकड़ के निकल जाइएगा। तो 14 के बाद क्या है, 17, 19 होगा नहीं, 18 होगा नहीं, 4 का मतलब अगले दिन, तो नहीं 17 ले लीजिए। 17 कौन सा भाई, ए है, ट्रेन नंबर ए ले लीजिए। ट्रेन नंबर ए कितने बजे जाएगी, 17 बजे जाएगी। आप 14 बजे पहुँचिए तो आप आराम से 3 घंटे 5 मिनट वेट करिएगा, निकल जाइएगा, क्योंकि इसके लिए आपको और ज़्यादा वेट करने पड़ेगा। तो कम से कम किस में लगेगा, ट्रेन नंबर ए से रागिनी आप निकल जाइएगा, ठीक है, अच्छे से जाइएगा, हैप्पी जर्नी। अगला सवाल, सी टेट 1 जनवरी 2022 का पूछा गया आपसे प्रश्न है। सवाल क्या कह रहा है कि रीता अपने क्षेत्र के वार्ड की सदस्य हैं, वह 11 फीट और 16 फीट आकार का एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती हैं। फर्श पर टाइल्स लगवाने हैं, जिसके पास 4 विकल्प हैं, दिस। सामुदायिक कक्ष के लिए उन्हें किस प्रकार की टाइल्स खरीदनी चाहिए ताकि वो टाइल्स बिना काटे बिछा सकें। ओहो, क्या लाजवाब का सवाल है, सीटेट में पूछा गया सवाल, मज़ा आ गया। अब देखिए कैसे करेंगे भाई इसको। चलिए, हल्दी मसाले वाली कैसे पीसे ही? हाँ सर, छोड़ो हटा, मजाक नहीं, सवाल कैसे करेंगे। वो एक लड़की बड़ा फेमस हुई है ना, ऐसे पीसे ही हटा यार। देखो, जो सामुदायिक कमरा है ना, वो 11 × 16 का, मतलब सामुदायिक जो कमरा है वो 11 × 16 का है। मतलब इसकी एरिया कितनी हो गई, इसकी एरिया हो जाएगी बच्चों, इसकी एरिया हो जाएगी 176 हो जाएगी, राइट। अब आपको टाइल्स लगाना है, आप ऐसा टाइल्स लगाइए कि आपको काटना ना पड़े। और टाइल्स की एरिया कितनी है, 1.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकल जाएगा, 2 × 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकल जाएगा, इसको भी एरिया निकल जाए, राइट। अब देखिए,
जिस टाइल्स की एरिया से ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा वही हम टाइल्स लगाएंगे। तो अब देखिए 3 फीट और 3 फीट है, मतलब टाइल्स का 3 फीट × 3 फीट का मतलब 3 × 3 का मतलब 9 फीट का टाइल, 9 स्क्वायर फीट का। तो 9 से अगर आप डिवाइड करेंगे बाबू तो 9 × 1 = 9 और यहाँ पे 9 × 1 = 9 होगा तो 86 बचेगा। नहीं डिवाइड होगा, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 9 से ये नहीं होगा, मतलब इस वाले को नहीं लगाएंगे, तीन वाले तीन तीन को नहीं लगाएंगे, करेक्ट, समझ में आ गया। 176 किससे डिवाइड हो जाएगा, 176 अगर आप देखेंगे 2 × 2 = 4 वाले से डिवाइड हो जाएगा, 4 से करिए, 4 × 4 = 16, मतलब 44 टाइल्स लगा दीजिए, 2 × 2 square feet का लगा दीजिए, आपका 44 टाइल्स में हो जाएगा, तो यानी कि 2 × 2 feet आप लगा लीजिए, बिना काटे लग जाएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, सवाल को कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, चलिए कोई बात नहीं, घबराइए मत, आराम से पढ़िए, टेंशन मत लीजिए, 1 by 1 करके देखते चलिए, मज़ा आ जाएगा। अगला सवाल 1 January 2022 सीटेट पेपर 1 में पूछा गया सवाल, क्या कह रहा है कि अपने छात्र को 8 समूहों में विभाजित किया और उनको अपना भार दर्ज करने के लिए कहा, फिर उन्होंने समूह को अपना औसत भार परिकल्पना करने को कहा, ठीक है। अब देखिए समूह अ जिसमें 8 विद्यार्थी हैं ने अपना भार तौला और औसत भार 38.2 ग्राम आया, उसके बाद उन्हें पता लगा कि उन्होंने किसी एक विद्यार्थी का गलती भार प्रयोग कर लिया, 25.9 kg के बजाय 29.5 kg भार प्रयोग किया गया था, समूह का सही औसत भार कितना होगा। उफ़, ये सवाल है कुछ नहीं, बस घुमा दिया है सी टेट ने, बस शब्दों को बढ़ा दिया ताकि बच्चे डर जाएं, और बच्चे डरते नहीं हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि टोटल कितने बच्चे थे बाबू, टोटल 8 बच्चे थे, ठीक है, और 8 बच्चे अपना वेट दे रहे थे और उसके बाद औसत निकाल रहे थे, एवरेज निकाल रहे थे, तो बच्चों ने अपना एवरेज कितना निकाला, 38.2 निकाला, तो 8 बच्चों का एवरेज अगर 38.2 है तो उन सबका जोड़ कितना होगा, सबका जोड़ हो जाएगा भाई 38.2 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उनके सभी का वेट का एज कितना होगा, वेट कितना होगा अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 × 2 = 16 × 6 = 1, 8 × 64 = 5 = 6, 8 × 3 = 24 = 36, ये दोस्तों उनका टोटल वेट हुआ था, राइट। अब कह रहा है कि 25.9 kg की बजाय 29.5, मतलब 25 × 9 रखना चाहिए था, लेकिन गलती से कितना रख दिया उन्होंने, गलती से उन्होंने 29.5 लिख दिया है, मतलब एक्स्ट्रा लिख दिया था, कितना एक्स्ट्रा लिखा था उन्होंने दोस्तों, एक्स्ट्रा लिखा था 4.6, राइट, 4.6, जरा देख लेते हैं, राइट, उन्होंने क्या करते हैं एक्स्ट्रा लिखा था। अब ये देखिए हम एक चीज़ नोट कर लीजिए यहाँ पे, ये 3056 है ना, इसको ज़रा यहाँ पे नोट कर लीजिए, 3056, ये हमारा टोटल वेट आया था, राइट। अब देखिए उनका एक्चुअल वेट कितना था, एक्चुअल वेट था दोस्तों 25.5 ना, और उन्होंने कितना दिख लिया, उन्होंने 29.5 लिख दिया था, जबकि उनका एक्चुअल वेट था 25.9 था, इसको माइनस कर लीजिए, 9 में से 15 में से 9 गया 0.6, यहाँ 8 बचा 3.6, मतलब 3.6 kg उन्होंने एक्स्ट्रा कर दिया था, 3.6 इसमें से माइनस कर लीजिए, उन्होंने जब 3.6 दोस्तों उन्होंने 3.6 जब एक्स्ट्रा कर लिया तो माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, 302, मतलब उनका एक्चुअल वेट होगा, सम ऑफ उनका वेट होगा 302। अब इसका एवरेज निकाल लीजिए, 8 से कट कर दीजिए, ठीक है, 8 × 3 = 24, कितना बचा 6, 62, तो ये हो जाएगा 52 7 8 7 = 56 37 37 8 7 = 56, और यहाँ पे बचा 6.60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो फिर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 = 7 तो 37.7, तो 37.7 कहाँ है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू, सवाल को एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या कह रहा है, कह रहा था कि हमारा एवरेज पहले आया था इतना, ठीक है, अब इसमें एवरेज अगर इतना था और 8 बच्चे थे तो उन 8 बच्चों का वेट का टोटल सम कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे और और हमने 3.6 ज़्यादा उसमें ऐड कर दिया तो उसको घटा देंगे, तो हमारा एक्चुअल वेट निकल जाएगा, फिर उसका एवरेज निकालने के लिए 8 से हम डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा पहला वाला ऑप्शन
बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको ज़रा एक बार आप खुद से ज़रूर करिएगा, राइट। अब अगला सवाल देखते हैं, चलिए। सी टेट पेपर वन 1 जनवरी 2022 को मैथ में ये सवाल पूछा गया था। क्या सवाल था? कह रहा है कि नीचे दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और अगला पद लिखिए। अब इसको ज़रा एक चीज़ नोटिस करिएगा, आपको ये नहीं कह रहा सॉल्व करिए, जैसे 9 - 1 = 8 सॉल्व नहीं कर रहा, आप कह रहे बस देखिए। आप जैसे ही देखेंगे, देखते ही देखते क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कोई ना कोई तो पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है। क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है भाई? सी टेट में कैसे पूछ दिया। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 9, यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं? एक संख्याएं हैं, यहाँ पे एक संख्या है बच्चों, और एक से माइनस हुआ है, तो आंसर में क्या है? एक ही अंक है। यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, 2 से माइनस हुआ है, आंसर में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। यहाँ पे 3 अंकों की संख्या है, 3 से माइनस है, आंसर में 3 अंक है। यहाँ पे 4 अंकों की संख्या है, 4 से माइनस है, और आंसर में क्या है? 4 अंक है। यहाँ तक समझ में आ गया बाबू? यहाँ तक कोई असुविधा नहीं है? चलिए, कोई असुविधा नहीं है। अगला सवाल देखिए। अब इसमें ऑप्शन आपको इसी पैटर्न पे देखना है। इसी पैटर्न में पहली बात तो थोड़ा यहाँ थोड़ा सा ना क्वेश्चन में गलत, यहाँ पे बीच में डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिवाइड है ना, तो बीच में डिवाइड नहीं है, बट फिर भी देखते हैं पैटर्न देखते हैं। तो 4 अंक, 4 से माइनस, और आंसर में 4 अंक चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 अंक है, 5 से माइनस, लेकिन यहाँ पे 6 है, ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बाबू? इसको एक और पैटर्न आप देख सकते हैं। इसको एक और पैटर्न कैसे आप देख सकते हैं? ये देखिए, 1 से माइनस हुआ है, लास्ट में 1 है, 2 से माइनस हुआ है, लास्ट में 2 है, 3 से माइनस हुआ है, लास्ट में 3 है, 4 से माइनस हुआ है, लास्ट में 4 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, 5 से माइनस हुआ लेकिन लास्ट में 5 नहीं है, 4 से माइनस हुआ लेकिन लास्ट में 4 नहीं है, 4 से माइनस हुआ लास्ट में 4 नहीं है, 5 से माइनस हुआ और लास्ट में 5 है, सही है। यहाँ भी 5 अंक है ना, 1, 2, 3, 4, 5 अंक है, 5 से माइनस, 1, 2, 3, ये वाला सवाल बिल्कुल सही। ये सवाल कह रहा था कि सॉल्व मत करिए, अवलोकन करिए, केवल ऑब्जर्व करिए, फॉलो करिए। समझ में आ गया? इस तरीके से भी एक सवाल सीटेट में पूछता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? प्रियांशु। अच्छा, आज ऐसे बच्चों का नाम आ रहा है ना जिनका नाम मतलब मैंने जाना हुआ है, सुना हुआ है, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है बहुत, यहाँ थोड़ा सा सीटेट ने घुमा दिया था। 1 जनवरी 2022 को सीटेट में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि प्रियांशु के पास 10 रुपये और 20 रुपये के नोट हैं, उसे 50 रुपये बनाने हैं, तो उसने क्या किया? 20 के 2 नोट और 1 10 के नोट का उपयोग किया, ठीक है। अगर यही राशि बनाने के अन्य कितने तरीके हैं? अन्य कितने तरीके, ये जो है उसके अलावा अन्य कितने तरीके हैं हो सकते हैं यदि दोनों ही नोटों का प्रयोग करना है? आपको दोनों नोटों का, 10 और 20 दोनों नोटों का प्रयोग करना है, और जो प्रियांशु ने अपनाया उसके अलावा कितने तरीके हो सकते हैं? तो भैया देखिए, 50 रुपये का अगर आपको 10 और 20 की सहायता से अगर नोट बनाना है, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला तो 2 20 का ले लीजिए और 1 10 का ले लीजिए, तो 50 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपके पास तरीका क्या है? दूसरा तरीका यहाँ मैं लिख देता हूँ। दूसरा तरीका है, या तो आप ऐसा करिए, 3 10 के ले लीजिए, 3 10 के ले लीजिए और 1 20 का ले लीजिए, तब आपको 50 हो जाएगा, राइट। 2 20 और 1 10 और 1 3 10 और 1 20 ऐसे ले लीजिए। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं, क्योंकि आपको दोनों नोट लेना है, ठीक है। अब प्रियांशु ने एक तरीका अपना लिया था, उसने 2 20 और 1 10 के ले लिए थे, ये वाला अपना लिया था, तो इसके अलावा कितने तरीके और बच रहे थे? तो एक तरीका और था इसके अलावा, कौन सा था? तो ये होगा इसका कितना सही जवाब क्या था? सही जवाब हो जाएगा बी। सवाल में पूछा था कि इसके अतिरिक्त और अन्य कितने तरीके हो सकते हैं? इसके अतिरिक्त बाबू केवल एक ही तरीका हो सकता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, चलिए आइए। तो इस तरीके से देखा आपने, 1 जनवरी का भी सीटेट का पेपर कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे कहाँ पे? 3 जनवरी 2022 के सीटेट के क्वेश्चन पेपर को हम देखेंगे, मैथ में जो सवाल आपसे पूछे गए थे। तो शुरू करें, चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं, 3 जनवरी 2022 सीटेट में पूछा गया यह प्रश्न। प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में गणित पढ़ने वाले और बाद में प्राप्त अंकों को यह तालिका, अच्छा, ये तालिका हमें प्रस्तुत किया गया, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि 3 विद्यार्थियों द्वारा मिलाकर प्रत्येक प्रकार से किए गए अध्ययन में लगभग औसत अंक बताना है। ओके, औसत अंक बताना है, तो इसका औसत अंक अगर आप निकालेंगे तो कितना होगा भाई? 3 को जोड़ लीजिए और 3 से डिवाइड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, 7 4 11 11 3 11 3 14 4 4 हमने लिखा हुआ है, 6 5 11 और 11 और 6 17 और 1 कैरी 18, मतलब 184, 3 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा? ये आ जाएगा 6 18 कट गया, फिर 4 आ जाएगा 6 1 6 1 1.3 6
C1.3 क्या कहीं दिया है, ये वाला दिया है बस। एक्चुअली आपको ये भी निकालना है, लेकिन हमें पहले से ही पता चल गया, मतलब पहले ही औसत हमें दिया गया तो दूसरा क्यों निकाले। अगर सिमिलर रहता इसमें कोई और भी 61 रहता तब हम दूसरे की तरफ जाते, लेकिन तो हमें यहाँ तो एक ही से मिल गया, ये बस औसत निकालना था। ठीक है, अगला ये CTET 3 जनवरी 2022 को पूछा गया पेपर वन में, ये मैथ का सवाल देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षरों में से किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममिति रेखाएं हैं, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार के क्या हैं भाई, सिमेट्रिक लाइंस है। अब सिमेट्रिक लाइंस का मतलब क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्कल है बाबू, ठीक है। अब इस सर्कल में अगर आप इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली कट कर देंगे तो आप देखेंगे ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों सिमिलर है, दोनों में अंतर नहीं है, वास्तव में इसी को सिमेट्रिक लाइन कहते हैं। एक ऐसा लाइन जो दोनों को सेम शेप में काट दे, मतलब ऐसे काटे कि इस साइड का भी सेम रहे और इस साइड का सेम रहे, राइट, तो इसी को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक लाइन कह देंगे। समझ में आ रहे बाबू। चलिए अब एक और चीज़ बताइए, तो ये अगर हम इसको ऊपर से भी काट देंगे तो इस साइड का और इस साइड का दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, राइट, इसी को हम सिमेट्रिक लाइन कहते हैं। तो अब इसमें देखना है कि दोनों कटने पर सेम आए, इसमें से कौन सा ग्रुप हुआ। अब देखिए, अब ये जो मान लीजिए इसमें सी टी को देख लीजिए, पहले आप देखिए टी को, अगर आप टी को मान लीजिए बाबू, टी को अगर आप खड़ा काटते हैं, अगर ऊपर से काटते हैं तो ये सेम दिखेगा, लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो ये सेम नहीं दिखेगा, ऊपर और नीचे में फ़र्क हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, पहला ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसका एक्चुअल ऑप्शन जो सही होगा बाबू वो दूसरा वाला, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें एक्स है, तो एक्स को अगर आप बीच से भी काट देंगे, अगर एक्स को आप बीच से काट देते हैं तब ये दोनों तरीके का क्या होगा, दोनों तरफ का सेम होगा, राइट। अगर आप x को अगर हॉरिजेंटली भी काट देंगे तो दोनों तरीके का सेम होगा। ठीक वैसे ही अगर आप h की बात करें, h अगर h की बात करें तो h को भी बीच से काट दें या हॉरिजेंटली काट दें दोनों सेम होगा, और o का तो सेम होगा ही होगा। तो कह रहा है कि निम्न अक्षरों में से किस क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममिति रेखाएं हैं, ये वाला हमारा सही हो जाएगा, राइट, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और इसके अलावा और अगर आप ऑप्शन देखेंगे ए बी सी, तो बी को अगर आप वर्टिकली काटेंगे, ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो वो सिमिलर नहीं रहेगा, मतलब वर्टिकली उसमें सिमेट्रिक लाइंस नहीं होती हैं, इसलिए आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, CTET 3 जनवरी 2022 पेपर वन में पूछा गया प्रश्न, क्या कह रहा है कि राकेश और सानिया आपस में चर्चा कर रही हैं, राकेश और सानिया आपस में क्या चर्चा कर रही हैं, कह रही हैं राकेश, कह रहे हैं राकेश बाबू क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि त्रिज्या व्यास की दुगुनी होती है। ओहो, ये तो राकेश जी आपने गलत कह दिया, पहले इसका संबंध देखिए क्या होता है, जो हमारा रेडियस होता है ना, हमारा जो रेडियस होता है बाबू वो व्यास मतलब डायमीटर का आधा होता है, ठीक है, जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा डायमीटर होता है वह रेडियस का दुगुना होता है, ठीक है। अब ये लेकिन यहाँ पर राकेश क्या है, त्रिज्या व्यास की दुगुनी, त्रिज्या व्यास की दुगुनी नहीं, आधी होती है, तो राकेश जी गलत कह रहे हैं, राकेश जी क्या कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। सानिया कहती है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी है, त्रिज्या जो है व्यास की आधी है, जो त्रिज्या है, सानिया सही कह रही है, सानिया क्या कह रही है, सही कह रही है, राकेश क्या कह रहे हैं, राकेश थोड़ी सी गलत कह रहे हैं, राकेश को ध्यान से उतर गया होगा। तो अब आइए, राकेश सही कह सही है नहीं, राकेश जी सही नहीं है, सॉरी राकेश, सानिया सही है और राकेश गलत है, सही बात है, सानिया यहाँ पे सही है, ठीक है, और वैसे भी बात है, गर्ल्स गर्ल्स आर ऑलवेज राइट, नो मजाक, जब सर त्रिज्या और व्यास दोनों बराबर नहीं होते हैं बाबू, दोनों गलत हैं, क्योंकि त्रिज्या और व्यास में संबंध नहीं है, संबंध होते हैं, तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाता है, राइट। चलो अच्छा, चलो मैं एक जोक सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक शॉपिंग मॉल में वॉशरूम्स जो होते हैं, तो शॉपिंग मॉल की दीवारों पर लिखा था कि मेंस वॉशरूम्स आर लेफ्ट, व्हाई, बिकॉज गर्ल्स आर ऑलवेज राइट। हंसो चलो यार, जोक सपाट आ जा, आई रियली रिस्पेक्ट एंड एवरीबडी शुड रेस्पेक्ट, मस्ट रेस्पेक्ट, नॉट ओनली फॉर द फीमेल्स, मेंस और वुमेन दोनों को रेस्पेक्ट करना चाहिए, वी मस्ट रेस्पेक्ट यार। चलो अगला सवाल देखते हैं, बहुत हो गई। अरबी अंग्रेजी अक्षरों की गणती अंकों में कोल ढूंढती हैं, ठीक है, अरिबा, व्हाट अ नाइस नेम, अरिबा, चलो अरिबा जो है वो अंग्रेजी अक्षरों में गणितीय अंकों में कोण देखती है, मतलब एंगल ढूंढ रही है। अरिबा को चाहिए कि निम्नलिखित समूहों से केवल समकोण, अच्छा अरिबा को चाहिए कि केवल उनको 90 डिग्री मिले, केवल उनको राइट एंगल मिले, केवल उनको समकोण मिले। तो अगर आप के की बात करेंगे तो के में अगर आप देखेंगे, के में एक ये एंगल बन रहा है, तो ये उनको केवल 90 चाहिए, तो के तो होगा नहीं, ये पहले ही ऑप्शन फ्लॉप हो गया,
ठीक है। एक्स में भी फोर में देखिए एन देखिए, एन में ये एंगल 90 नहीं है, ये भी एंगल 90 नहीं है, लेकिन उनको क्या चाहिए, केवल 90 चाहिए आरिबा को। इसमें देखिए, इसमें एच में भी बाबू, एच में भी देखेंगे तो 90 90 90 90, एच में भी केवल 90 90 है। और फाइव में देखेंगे यहाँ भी क्या है, 90 है, राइट। ई की बात करें तो ई में तो 90 ही 90 है, बस 90 90 90 ही 90। तो ये वाला तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। एम में यहाँ पे 90 नहीं हुआ, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ऐसे निकालना है हमें। चलिए, 3 जनवरी 2022 को पूछा गया सी टेट के पेपर वन में सवाल, किसी संख्या के गुणनखंड डैश होते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल, किसी भी संख्या के जो गुणनखंड हो गए ना, जैसे मान लीजिए अगर 25 का अगर गुणनखंड है बाबू, 25 का गुणनखंड क्या होगा, या हो सकता है 1 × 25 या 5 × 5। किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है, या तो उस संख्या के बराबर होगी या उस संख्या से छोटी होगी। समझ में, गुणनखंड मतलब उस संख्या में क्या मल्टीप्लाई करेगी। जैसे मान लीजिए 30 है, तो कोई एक ऐसी संख्या, 30 का एक गुणनखंड होगा 3, 3 में हम 10 गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 से बड़ी कोई संख्या बताइए जिसमें गुणा करने से 30 हो, होगा ही नहीं। 30 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है। तो क्या है भाई, गुणनखंड हमेशा क्या होता है, संख्या के बराबर या उससे कम नहीं होता है, उससे अधिक होता है। संख्या के बराबर या उससे अधिक होता है, संख्या के बराबर या उससे अधिक होता है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखते हैं, 3 जनवरी 2022 सीटेट में पूछा गया प्रश्न, वेणु को 25 दिसंबर 2021 के दिन घर की सफाई करते समय अपना जन्म प्रमाण पत्र मिला। उसने देखा कि उसका जन्म तिथि प्रमाण पत्र में 5 दिसंबर 1995 लिखी थी। जब वेणु को प्रमाण पत्र मिला तो उसकी आयु लगभग कितनी थी। ओके, राइट राइट बाबू, राइट, बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या देखना है कि आप देखेंगे कि ऑप्शन में केवल ईयर और मंथ दिया है, केवल साल और महीना दिया है, दिन नहीं दिया है, दिन नहीं दिया है। तो हमें दिन से मतलब ही नहीं रखना है, करेक्ट, हमें महीने से मतलब रखना है। सितंबर महीने में उन्हें प्रमाण पत्र मिला और उन्होंने देखा कि दिसंबर महीने में उनका जन्मदिन है। दिसंबर के महीने में, किसी साल के दिसंबर महीने में उनका जन्मदिन है और सितंबर में उनको मिला, तो उनकी उम्र में महीने देखिए, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब जो उनकी उम्र होगी ना वो कुछ साल 9 महीने होगी। दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 9 महीना हुआ, तो उनकी जो उम्र होगी वो कुछ साल 9 महीने होगी। विकल्प में देखेंगे तो केवल एक ही ऐसा विकल्प है जहाँ पे उनको 25 साल और 9 महीने रखा है। अगर किसी और में भी महीने दिए होते तो हम साल को जोड़ लेते, लेकिन 9 महीने तो कन्फर्म होना ही होना है, क्योंकि सितंबर में उनको मिला है और उनका बर्थडे दिसंबर में। कुछ नहीं करिए, बस यहीं पर सॉल्व कर लीजिए, बस काम खत्म। अगला सवाल देख लेते हैं, 5 व्यक्ति की लंबाई नीचे दी गई है। ओके, 5 व्यक्तियों की लंबाई हमें नीचे दी गई है, मीटर में ऊंचाई, मीटर में ऊंचाई होगा, योग क्या कह रहे हैं, इसको सब आपस में जोड़ दीजिए और इसको मीटर में बता दीजिए। जोड़ लेते हैं, 2 9 2 11 11 6 17 17 1 18 18 3 21, 21 का 1 कैरी कितना हुआ, 2 6 5 11 11 5 16 16 6 22 22 28 28 2 30 30 के 0 कैरी 3 1 2 3 4 5 5 3 8 801 सेंटीमीटर। कितना बाबू, 801 सेंटीमीटर, 801 सेंटीमीटर मतलब 8 मीटर 1 सेंटीमीटर। समझ में आया, 8 मीटर 1 सेंटीमीटर। चलिए, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 17 29 को रामानुजम संख्या कहते हैं। इसके पीछे सीटेट 2022 3 जनवरी को पूछा गया यह सवाल है, 17 29 को रामानुजम संख्या कहा जाता है। इसके पीछे एक कहानी है, इसको टैक्सी कैब नंबर्स भी कहते हैं। इसके पीछे कहानी बता दूँ, हार्डी रामानुजम अंक भी कहते हैं, हार्डी रामानुजम नंबर्स कहते हैं। इसके पीछे कहानी है कि एक बार हार्डी जो थे वो लंदन में रामानुजम जी से मिलने गए थे, तो वो जिस टैक्सी से आए थे उस टैक्सी का नंबर था 1729 उस टैक्सी का नंबर था, ठीक है। तो रामानुजम जी ने कहा कि 1729 टैक्सी का नंबर देखा, और उन्हें दोनों मैथमेटिशियन थे, दोनों मैथ के बहुत बड़े जानकार थे। रामानुजम ने कहा कि हार्डी 1729 टैक्सी का नंबर है आपका, आपने कुछ नोटिस किया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो कुछ नोटिस नहीं किया। तो रामानुजम ने कहा कि 1729 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको दो संख्याओं के क्यूब जोड़ने से प्राप्त किया जा सकता है।
दो अलग अलग संख्याओं के क्यूब जोड़ने से प्राप्त किया है। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कैसे? जैसे 1729 को आप अगर देखेंगे, 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब आप लिखेंगे तो 1729 आएगा। तथा इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो इसको अगर आप 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब करेंगे तब भी आपको 1729 प्राप्त होगा। इससे छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वाह रामानुजन, क्या आपने नोटिस करा। तो यही वो संख्या है। सवाल क्या कह रहा है? 1729 को रामानुजन संख्या कहा जाता है क्योंकि यह एक छोटी संख्या है जिससे दो अलग अलग तरीकों से दो संख्याओं के घनों के योग द्वारा दर्शाया जा सकता है। समझ में आ गई? दो अलग अलग तरीकों से। तो निम्नलिखित में से संख्याएं कौन सी हैं? तो मैंने पढ़ा था 1, 12, 10, 9 यही वो संख्या है जिसको आप क्यूब करके जोड़ेंगे तो 1729 प्राप्त होगा। अगर आप कहिए तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। 1, 1, 12 को देखिए, 1 का क्यूब कितना है भाई? 1 होता है। और 12 का क्यूब कितना होगा? 12 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों, इस पर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1728, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 1729 आ जाएगा। समझ में आ गया? इसी प्रकार से अगर आप 10 और 9 की बात करते हैं, 10 और 9 तो 10 का क्यूब कितना होगा? 1000 हो जाएगा। और 9 का क्यूब 729 होता है, इसको ऐड करेंगे तो 1729। इसको हम क्या कहते हैं? रामानुजन नंबर्स कहते हैं या केवल रामानुजन संख्या भी कहते हैं। समझ में आ गया? अगला सवाल देखिए। बहुत अच्छा, ये बड़ा बहुत ही शानदार सवाल है यार, मज़ेदार सवाल है बहुत से। 3 मित्र जो हैं क्रमशः 20, 30 और 45 मिनट के अंतराल में अपना मोबाइल फ़ोन पर संदेश प्राप्त करते हैं। उन्हें संदेश का निर्धारित समय पर एक साथ प्राप्त होने शुरू हुआ, फिर तो कितने समय बाद पुनः संदेश एक साथ प्राप्त करेंगे? देखो समस्या क्या है इसमें, सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है जैसे मान लीजिए मोबाइल हमने ऑन किया, हम सभी को 3 लोगों ने मोबाइल ऑन किया और एक ही साथ सबको मैसेज आया। अब प्रॉब्लम अलार्म से ले लीजिए, मैंने हम तीनों ने अलार्म लगा लिया, ठीक है। अभी जो हमारा अलार्म बजा है एक साथ बजा है, अब जो नेक्स्ट अलार्म बजेगा वो पहले वाले का 20 मिनट बाद, दूसरे वाले का 30 मिनट बाद और तीसरे वाले का 45 मिनट बाद बजता जाएगा। तो कह रहा है कि वो कौन सा ऐसा समय होगा जब तीनों का फिर से एक साथ बजेगा? तो इस ऐसी संख्याओं को कैसे निकालते हैं बाबू? जैसे 20, 30 और 45 मिनट के बाद रिपीट हो रहा है ना, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम ले लीजिए, पहले आप 2 से कर लीजिए, 10, 15, 45, ठीक है। फिर आप इसको फिर 2 से कर लीजिए, 5, 15 और 45। फिर आप ऐसा करिए 3 से कर लीजिए, यहाँ पे क्या है 45, 3 से कर लीजिए, 5, 5 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। फिर आप 5 से करिए तो ये हो जाएगा 1, 1, 3, मतलब आपका एलसीएम कितना होगा? 2 × 4 = 12 × 5 = 60 × 6 = 18 180 होगा। एलसीएम कितना होगा? 180 होगा। इसका एलसीएम कितना होगा बाबू? 180 होगा। मतलब आपको 180 मिनट के बाद दोबारा से तीनों लोगों को एक साथ बजेगा। 180 मिनट का मतलब 3 घंटे, 180 मिनट का मतलब 3 घंटे। समझ में आ गया? ये वाला सवाल आपका यही समाप्त होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करें? अगला सवाल, निम्नलिखित में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न संख्या होगी? अच्छा, बहुत अच्छा, ये बहुत ही आसान सवाल। इसमें आपको दो चीज़ें नोटिस कर दी, क्या है? पहला देखिए, आप देखेंगे सारी जो संख्याएं नीचे वाली अंक बड़ी हैं, जैसे ऊपर 3, 4, 6, 7, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5 है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये क्या है भाई? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, मतलब नीचे वाली संख्या क्या है? बड़ी है। और सब में गैप देखेंगे बाबू, तो 3 और 4 1 का गैप, 6 और 7 1 का गैप, 1 और 2 1 का गैप, 2, 3 सब में गैप क्या है? समान है। सब में गैप क्या है? समान। तो किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर गैप समान हो, दोनों में डिफरेंस समान हो, तो वह संख्या बड़ी होगी जिसका अंश या हर कोई भी एक बड़ा होगा। तो अच्छा, एक और चीज़ है, अगर जिसका अंश बड़ा होगा उसी का हर भी बड़ा होगा, ठीक है। अब इसको कैसे देखिए, जैसे इसमें सबसे बड़ा ऊपर क्या है? 6 है, तो सबसे नीचे भी 6, 7 बड़ा ही होगा सबसे। तो इसकी सबसे सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी? वो 6/7 सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या 1 सबसे छोटा है, सबसे छोटा 1 हो जाएगी। समझ में आ गया? तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। आपने इसमें दो चीज़ नोटिस करना है, प्रॉपर फ्रिक्शन है कि नहीं। प्रॉपर का मतलब सभी का जो डिनोमिनेटर हो, जो हर हो, वो क्या हो? वो बड़ा हो ऊपर वाले से, और सबके बीच में डिफरेंस समान हो। समान होगा तो जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ा होगा, सबसे छोटा होगा छोटा होगा। समझ में आ गया बात? समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल। 3 जनवरी 2022 को CTET के पेपर 1 में पूछा गया सवाल है। कह रहा है कि पैटर्न को देखिए तथा डैश पर संख्या लिखिए।
जब पैटर्न को देखने की बात करें तो आप बिल्कुल सॉल्व मत करिएगा, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि देखिए सॉल्व मत करिए, जब देखने की बात है तो देखिए, देखेंगे आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा। क्या कह रहा है भाई, 1 और 3 = 4, हमें सॉल्व नहीं करना, हमें बस देखना है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे बाबू, यहाँ पे 1 और 2, 1 और 3 मतलब दो संख्याएं हैं ना, दो संख्याएं हैं, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है। ओ माय गॉड, कुछ चीज़ें हमने नोटिस करी, यहाँ पे कितनी संख्याएं, 1 2 3, 3 संख्याएं हैं तो 3 का स्क्वायर है। अच्छा सही है, मज़ा आया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 आएंगे तो 4 की स्क्वायर 16 है। अच्छा सही बात है। यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5 है तो 5 का स्क्वायर है। ओह बस बस यही था, यही तो था भाई। अब यहाँ पे देखिए कितना है, 1 2 3 4, माता जी की जय जगह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्याएं, टोटल 9 संख्याएं, 9 संख्याएं तो 9 का स्क्वायर कर लीजिए, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। ये 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 1 2 3 मतलब 1 2 3 4, माता जी की जय जगह। चलो अब आ जाते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल सीटेट 3 जनवरी 2022 को पूछा गया था, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये हमें कुछ रेट लिस्ट दे दिया है और हमें बताना है कि जो हरप्रीत जी थे, हरप्रीत ने 1 पैकेट पेंसिल खरीदा है। ओ माय गॉड, 1 पैकेट पेंसिल लेके क्या करेंगे, चलिए 1 पैकेट अगर आप पेंसिल खरीदेंगे तो ये हो जाएगा 22 रुपये का, 22 रुपये 00 पैसा। ओके, फिर कितना खरीद रहे हैं, 2 पैकेट कलम, अच्छा 2 पैकेट, 37 × 2 अगर आप करेंगे तो 2 पैकेट कलम की प्राइस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 0 carry 1, 14 × 5 कैरी वन, ये पूछे 75 रुपये का उन्होंने क्या खरीद लिया, कलम खरीद लिया, 3 रबड़ खरीद लिया। अच्छा इसका 3 अगर रबड़ खरीदेंगे आप तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 15 = 5 carry 1, 3 × 9 = 10। अच्छा अब क्या कह रहे, 1 शार्पनर इन्होंने ले लिया, 1 शार्पनर ले लेंगे आप, 4.5 रुपये का पड़ेगा, महंगा हो गया आजकल। पोस्टल सीट उन्होंने 2 पैकेट खरीदे, पोस्टल सीट कहाँ है भैया, पोस्टल सीट उन्होंने 2 खरीदी, ठीक है 2 खरीदेंगे तो 48 × 16 = 56, इन्होंने 56 रुपये का ये खरीद लिया। तो कह रहा है कि कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, अच्छा हिसाब किताब कराएंगे आप लोग, तो ये देखिए 0 का 0, 5 × 5 = 10, 0 carry 1, कैरी कितना है 1 है, 2 × 5 = 7, 7 × 4 = 11, 11 × 6 = 17, 1 carry 1 = 18, कैरी कितना बाबू 18 का 8, अब लास्ट में कैरी कितना बचा 1 बचा, ठीक है। अब आइए 2 7 2 9 9 1 10, 8 1 9 यार होना चाहिए, 9 होना चाहिए, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 21 हो जाएगा, मतलब 218 आपका ये वाला सही जवाब हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा, समझ आ गया। चलिए बहुत से ये वाला समझ में आ गया, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 110011 को 101 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त हो, ये बड़ा ही अच्छा सा सवाल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आप 101 को 100 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10100, जो कि क्या है इससे ज़्यादा है, ठीक है। आप इसकी मल्टीप्लाई 99 से करेंगे, ठीक है 99 से कर लीजिए। 101 को भाई अगर आप 101 को 99 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 99 × 99 = 9 carry 9, 99 × 0 = 0 और कैरी जो 9 था उसको ऐड कर देंगे तो 9, कोई कैरी नहीं, 99 × 99, ये आपका इसकी वैल्यू आ गई। अब ये कितना कम है वही तो इसका शेषफल होगा, इसमें से कितना कम है बाबू, तो ये देखिए 10011 में से 4 × 9 था ना, 4 × आप 9 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 11 में से 2 हो गया 9, लास्ट में 2 इसी में है तो यही होगा, फिर कर लेते यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 0, 10 में से 9 गया 1, 9 9 9 मतलब 12 बचे, इसकी आंसर कितना हो गया 12। समझ में आ रहा है बाबू, ये वाला सवाल समझ में आया, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या चुनिए जो एक पूर्ण वर्ग है और प्रत्येक संख्या 16 20 24 तीनों से कट जाती हो, इसको कैसे निकालेंगे, इसको दो तरीके हैं निकालने के लिए। पहले अगर आप 1/1 तीनों से डिवाइड करिए, जैसे मान लीजिए ये ज़्यादा लग रहा है, हम एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं क्या यह तीनों से कटता है कि नहीं कटता है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए 14400 को अगर आप 16 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना होगा, ये बच्चों हो जाएगा अगर आप 4 से कर लीजिए, 4 से करेंगे 4 3 = 12 और 4 3 = 12, 4 6 =
34 ये होगा 4 4 9 36 900 से पूरा पूरा कट गया, ये क्या हो गया 900 से पूरा पूरा कट गया 16 बार में। सो अब अगला देख लेते हैं, 20 से तो कटेगा, कन्फर्म कटेगा, 20 से क्या होगा कन्फर्म कटेगा, 20 से ये कन्फर्म कटेगा, ठीक है। 24 देख लेते हैं, 24 से क्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 144000/24। तो अगर आप 6 करेंगे 6 4 जे 24, 6 2 जे 12, 6 4 जे 24, 004 से करेंगे 6 से भी कट रहा है। तो मतलब यह एक ऐसा अंक है भाई, ये एक ऐसा अंक है जो क्या हो रहा है, तीनों से कट रहा है, और यह एक पूर्ण संख्या भी है, ये पूर्ण वर्ग संख्या भी है, किसका है 120 का पूर्ण वर्ग संख्या। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका ये है बाबू कि इन तीनों का एलसीएम निकालिए, 16, 20 और 24 का एलसीएम निकालिए, ठीक है। पहले 4 से लेते हैं, 4 6 16, 4 5 20, 6 6 24, फिर 2 से कर लेते हैं, 2 5 और 3, 4 2 8, 8 2 16, 16 और 16 5 80, 8 3 24, 240। इन तीनों का एलसीएम कितना हुआ, 240 हुआ, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 240। अब कौन सी ऐसी संख्या है जो 240 से पूरी पूरी कट जाएगी, तो अगर आप करेंगे तो केवल यही एक ऐसी संख्या होगी जो 240 से पूरी पूरी कट जाएगी, 0 से 0 गया, 6 से करेंगे तो कट जाएगी, मतलब यही वाली संख्या है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। ये सी टेट का सवाल था। अगला सवाल देखते हैं, 3 जनवरी 2022 को सी टेट, अगला सवाल, 3 जनवरी 2022 को सी टेट का पूछा गया सवाल है, क्या कह रहा है कि इतना के दोनों 6 के स्थानीय मानों का, क्या ही सवाल है, कुछ नहीं इसमें, 6 के स्थानीय मान देखिए, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ के 6 का स्थानीय मान कितना है, 6 के बाद कितना 0 है, 1 2 3 1 2 3, यहाँ के 6 के बाद कितना 0 है, 2, 6 के बाद 1 0 है। अब इसको क्या कर रहा है, स्थानीय मानों का गुणनफल, गुणनफल निकालिए, 6 6 जा 36, 0 कितने हैं 4, 1 2 3 4, 36 के बाद 4 0, कुछ था इस सवाल में, कुछ भी नहीं था। तो ये सी टाइट का सवाल है दोस्तों, इस तरीके से सी टाइट में भी सवाल पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा, आपने इस तरीके से 3 जनवरी 2022 तक के सवाल आपने सॉल्व कर लिए, बाकी के सवाल दोस्तों हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। आशा करते हैं अभी हमने 45 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, ऐसे ही दोस्तों वन बाय वन करके आपके सारे जितने भी 2022 और 21 में सवाल पूछे गए थे सी टेट के, हम ऐसे डिस्कस कर लेंगे मैथ का, फिर ऐसे किसी दिन CDP का, फिर EVS का, और सारे ऐसे डिस्कस करते जाएंगे, और आपका प्रीवियस ईयर तैयार हो जाएगा। प्रीवियस ईयर तैयार कर रहे हैं इसका मतलब आप बहुत 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 अच्छी तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, साथ ही साथ कैसे क्वेश्चन पूछे ये भी पता चल जाता है, सारी चीज़ें आपकी तैयार होंगी। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों, बाकी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आया, फ़ायदेमंद रहा या नहीं रहा, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, हमने यहाँ पे इन तीन का 16 जनवरी 16 दिसंबर 1 जनवरी और 3 जनवरी, इन तीन सेट के मैथ में 15 15 15 सवाल हम कर लिए हैं, बाकी के 3 3 करके ऐसे हम इसको डिस कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बताएं दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, नए जुड़े चैनल से तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।